हाय, मेरा नाम प्रिंस है। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे आप डेवलपर मोड ऑप्शन को ऑन कर सकते हो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। मान लो अगर आपको फ़ोन को रूट करना है तो आपको इसका रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपको डीबगिंग करना है तब भी आपको इसका रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। इसके बाद अगर आप एंड्रॉयड सीखते हो तो तब भी आपके रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप डेवलपर मोड ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप कुछ ऐसे टॉपिक मिस कर जाते हो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी का वेलकम करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आप डेवलपर मोड ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हो। मेरे पास अभी करेंटली वीवो का फ़ोन है। हो सकता है कि आपके पास कोई और एंड्रॉयड का फ़ोन हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं सब में सेम ही प्रोसेस होता है। तो चलिए फिर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। इसके लिए आपको क्लिक करना है सेटिंग, फिर आपको यहाँ से नीचे जाना है और आपको क्लिक करना है सिस्टम मैनेजमेंट। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको एक मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो मेरे पास इस फ़ोन के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ अबाउट फ़ोन। जैसे आप क्लिक करोगे फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। इसके बाद आप देखोगे सॉफ्टवेयर वर्जन, आपको यहाँ पर 4 बार टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैक और फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे, तो आप देखोगे कि डेवलपर मोड ऑप्शन ऑन हो चुका है। जो सेकेंड तरीका आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपल आपको यहाँ से सर्च बॉक्स में जाना है और आपको टाइप करना पड़ेगा अबाउट फ़ोन। यहाँ से भी जाके आप डेवलपर मोड ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको वर्जन वाले पे ही टैप करना पड़ेगा। तो फ़ोन के हिसाब से भी अलग अलग अपडेट होते रहते हैं। जैसे वीवो का फ़ोन में था सॉफ्टवेयर वर्जन, इसी प्रकार से MI का फ़ोन में होता है MIUI वर्जन। इसी प्रकार से अगर सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें होता है बिल्ड नंबर। इस वीडियो में हमने बात किया कि कैसे आप डेवलपर मोड ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइज, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे नए वीडियो में।